और गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारा कुछ फैसिलिटीज देने का रिक्वेस्ट फैसिलिटीज देने का मतलब रिक्वेस्ट किया था एंड बट लाइक आज तक लाइक अभी तक हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि हमें सेना मेडल का एक मंथली मनी रिवार्ड भी मिलेगा बट वो अभी तक हमें नहीं मिला है, और मेडिकल कार्ड भी मिलेगा कहा था पर अभी वो नहीं मिला। Many of our brave soldiers have laid their life for the nation while on duty. Spy Naung Tenzing from 15 Assam Regiment and Spy Chengasring from 4 Assam Regiment are two names from Arunachal who made supreme sacrifices while on duty. Despite the supreme sacrifices, family members of the deceased are yet to receive the ex gratia and other benefits from the government. Spy Naung Tenzing sacrificed his life while intercepting a terrorist movement on 26 February 2004 at Surangkot in Poonch district of Jammu and Kashmir. He succumbed to his grievous injury after killing a terrorist. On other hand, Spy Chengasring from 4 Assam Regiment lost his life during a bomb blast in the year 2000. Both of them were posthumously awarded Sena Medal for their unflinching devotion beyond the call of duty this year during Azadi Ka Amrit Mahotsav held at Bomdila. Today, Arunachal Mirror interacts with the family member of the brave soldiers. Here's a report. नमस्कार दर्शकों, मैं इस समय लेट सिपाही नवंग तेंजिंग के घर में हूँ और ये जो मेरा सामने जो बैठा है ये उनका भतीजा है और ये जो उनका दीदी है जो हम लोग के दाएं तरफ बैठा हुआ है। तो मैं इनसे ये सवाल करूँगा कि मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि इनका जो चाचा है उनको सेना मेडल भी मिला है। तो लाइक उनसे मैं ये पूछूंगा कि सेना मेडल का जो बेनिफिट्स मिलता है वो मिला कि नहीं मिला, और ये लोग कैसा फील करता है कि इन्होंने अपना चाचा को खोया है, तो ये कैसा फील करता है मैं इनसे पूछना चाहूंगा। हेलो, मेरा नाम तेंजिंग डोंडू है। लाइक हम नवांग लेट सिपाही नवांग तेंजिंग का भतीजा है और ये मेरा बुआ है, नाम इसी छोटे ने। तो लाइक जब मैं जन्म हुआ था तब एक साल के बाद मेरा चाचा गुजर गया। लाइक वो कश्मीर में मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था जिसका वजह से लाइक वो शहीद हो गया। और लाइक जब मैं 10 साल का था, 7 साल का था, जब थोड़ा मोड़ा मैं लाइक बात करने जान गया था, तब मेरे बुआ ने मेरे पापा ने मुझे बताया अपने चाचा के बारे में कि मेरा एक चाचा था जो शहीद हो गया बोल के। एंड लाइक जब मैंने ये बात सुना तो लाइक मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि एक सिपाही अगर एक देश के लिए मरता है तो लाइक बहुत अच्छा बात होता है। भले हाँ फैमिली को प्रॉब्लम होता है बट लाइक वी फील वेरी प्राउड दैट ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर आवर कंट्री। एंड उन्हें सेना मेडल भी मिला जो एक बहुत बड़ा बात है। एंड लाइक आजकल मैं मेरे दोस्तों को बहुत लोग बताता भी हूँ कि मैं गर्व से बताता हूँ कि मेरा एक चाचा था जो देश के लिए शहीद हो गया। और जब शहीद और तो 2004 में शहीद हो गया था जम्मू एंड कश्मीर में, एंड गवर्नमेंट ने उनको सेना मेडल भी दिया। और गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारा कुछ फैसिलिटीज देने का रिक्वेस्ट फैसिलिटीज देने का मतलब रिक्वेस्ट किया था एंड बट लाइक आज तक लाइक अभी तक हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि हमें सेना मेडल का एक मंथली मनी रिवार्ड भी मिलेगा बट वो अभी तक हमें नहीं मिला है, और मेडिकल कार्ड भी मिलेगा कहा था पर अभी वो नहीं मिला है। अगर आप नहीं निभाओगे तो ये अच्छा बात नहीं है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो वादा किया था वो आप निभाए। और हमें भी बहुत लाइक मुझे मैं भी एक अपना यूथ के टाइम में हूँ, मुझे भी आर्मी में ज्वाइन करने का बहुत शौक है बट मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि लाइक हाँ आर्मी वादा करते हैं बट अभी तक नहीं निभाया है। तो लाइक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़्यादा डिले ना करें, आप जितना जल्दी हो सके लाइक हमें जो फैसिलिटीज आपने देने का वादा किया था वो आप दीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। और जैसे कि अभी ये भाई ने बताया, जैसे लेट सिपाही नवंग तेंजिंग के जो भतीजा ने बोला, जैसे सेना मेडल का जो मिलता है उनको मंथली जो पेमेंट या रिवॉर्ड कुछ भी मिलता है वो अभी तक फैसिलिटी नहीं मिला है। तो वादा किया है बोला सिंस 2004 में जिनका भी गवर्नमेंट था उन्होंने वादा किया, बोला आपका ये जो उनका दीदी है इन्होंने मुझे बताया था कि आप उन्होंने सोनिया गांधी जी और हमारा जो एक्स आपका प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हमारा जो प्रेसिडेंट सर था उस समय का, उन्होंने इनसे वादा किया था बोला कि उनको सेना मेडल का जो मंथली होगा वो मिलेगा बोलकर, और तो अभी तक नहीं मिला है बोला। तो 2004 से लेके अभी 22 चल रहे हैं, 18 साल चल रहे हैं, तो इस बीच में अभी तक
सेना मेडल का कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिला है, और एक ये बोला है कि उनको, हाँ उनको एज तो पार हो गया, पेंशन नहीं मिलेगा बोला, बट मेडिकल कार्ड एक देने के लिए इन्होंने बोला था, बोला तो वो भी दे देंगे बोला, तो अभी तक नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मैं, मेरे तरफ से और हम सब की तरफ से, इनके फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप लोग जल्द से जल्द जो इनका जो बेनिफिट्स है इन्हें दिला दीजिए। आपका काफ़ी शुक्रिया अदा होगा हम, ये इनके फैमिली की तरफ से और हमारे तरफ से भी, क्योंकि एक सेना मेडल मिलना बहुत गर्व की बात होता है, वो एक सेना का बीच में एक बहुत बड़ा एक मेडल होता है। तो उनके लिए जो बेनिफिट्स मिलना है वो आप जल्द से जल्द इनको दे दीजिए, इनका जो हकदार है उनको दे दीजिए। ये आपसे नहीं मांग रहा है, इनका हक जो हक है, हक को मांग रहा है, हक को आप दे देने से ज्यादा बेस्ट रहेगा और ठीक रहेगा। सिपाही चेंगा सिंह सर का क्या लगता है? जी मैं सिपाही चेंगा सिंह का बांजी हूँ। मेरा मामा का नाम था चेंगा सिंह। अप्रैल 2000 को वो ग्लेशियर लड़ाई में गुजर गया था, और बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब हम, मेरा मामा इतना, मतलब देश के लिए इतना अच्छा काम किया है। हर घर का, हर लड़का को यही एडवाइस देगा कि मतलब ऐसे ही अपना देश के लिए शहीद हो जाए। और मैं भी बहुत प्राउड फील होता हूँ कि मेरा मामा, मैं उनका भांजी हूँ, आज आप लोगों सबसे मिला है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत दुखी होता है कि मेरा इतना अच्छा मामा खो दिया। फिर एक तरफ से सोचा जाएगा तो बहुत प्राउड फील होता है कि वो देश के लिए इतना अच्छा काम करके शहीद हुआ है। हर किसी को ऐसे ही मामा मिलो, ऐसे ही पिता मिलो, ऐसे ही भैया मिलो, हर किसी को मैं ऐसे यही प्रे करती हूँ। और नेक्स्ट जन्म में भी मैं मेरे ही मामा को वापस मिलो, मैं यही प्रे करती हूँ। और बहुत दुखी होता है, मेरे मामा को बहुत याद आता है, पर क्या करो, जो भी हुआ मतलब वो देश के लिए शहीद हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्व फील होता हूँ। और मैं भी चाहती हूँ मेरे मामा की तरह मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊँ, पर मैं नहीं जा पाया, इसके लिए मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आर्मी में नहीं जाकर भी मैं जितना हो सकती सभी को मैं मदद करना चाहूँगी, मेरे तरफ से जितना हो सकता है। और हर घर का, लड़की हो, माँ हो, हर किसी को ऐसा ही बेटा मिलो, सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच। दर्शकों, जैसे कि सुना होगा, ये जो मैडम है ये आपका सिपाही चेंगा सिंह सर का भांजी लगता है, और जो ये है उनका, जो मेरे पास में जो है ये उनका दीदी है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सच में हम भी बहुत लकी है कि आज हम यहाँ में आके, जो कि इनका जो दुख को मैं शेयर कर रहा हूँ और इनका जो सजेस्ट को सुनकर मैं भी खुद भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैडम ने कहा कि जितना भी यूथ से आजकल तो लड़का लड़की को मतलब फौजी में आना काफ़ी मतलब आसान हो गया, मतलब पहले तो लड़का का सिर्फ होता था, आजकल लड़की का चाहे जीडी में हो चाहे ऑफिसर्स में हो, दोनों में मिलता है। तो मेरे तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आप सब फौजी में भर्ती होना है, कोई भी सिपाही में भर्ती होना है आपको, देश के लिए हमेशा देश को पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए आपका, क्योंकि देश ही हम लोग का वो है, शान है, देश ही हमारा माँ है। तो इसी तरह मतलब हम सैल्यूट करते हैं अपना जो जितना भी सिपाही ने मतलब हम लोग का देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन सबको मेरे ओर से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच।